Please subscribe my channel and press the bell icon. आज मैं आपको ड्रामा सीरियल ए दिल तू बता के आज के एपिसोड का रिव्यू दूंगी और नेक्स्ट आने वाले एपिसोड का प्रोमो बताऊंगी। इस एपिसोड में आपने देखा कि बिनिश वजाहत से कह रही होती है कि जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा और आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कर रहे। तो वजाहत कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? तुम तो सही सलामत बंदे को हार्ट अटैक करा दो अपनी बातों से, बताओ क्या हुआ है। तो बिनिश कहती है, बात ही ऐसी है बी जान, अहमद की सारी जायदाद उस अक्सा के नाम कर रही है। भला ऐसे कैसे हो सकता है? वजाहत कहता है, ये बी जान का फैसला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। तो बिनिश उसे बहुत प्यार से समझाती है कि आप बी जान को मना कर सकते हैं, मेरे पास इसका जवाब भी है। और वजाहत भी उसकी बातों में आ जाता है। फिर दिखाया जाता है कि बीजान नमाज पढ़ रही होती हैं और वजाहत आकर खड़ा हो जाता है। तो बीजान पूछती हैं, क्या हुआ? तो वजाहत कहता है, कुछ नहीं। बीजान कहती हैं, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं जानती हूँ माँ अपने बच्चों के चेहरे देखकर पहचान लेती है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, बताओ क्या बात है। तो वजाहत कहता है कि वकील साहब आए थे। तो बीजान कहती हैं, हाँ। वजाहत कहता है, आप अहमद की सारी जायदाद अक्सा के नाम कर रही हैं? तो बी जान कहती है, हाँ। तुम्हारी हक तलफी नहीं होगी? तो वजाहत कहता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं वैसे आपसे कह रहा हूँ कि आपने ये सब कुछ सोच समझ कर तो किया है ना, क्योंकि अक्सा हमारे घर हमेशा के लिए तो रहेगी नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं कोई लालची शख्स अक्सा को इस दौलत के लालच में आकर ना अपनाए और अक्सा की सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। तो बीजान कहती हैं कि नहीं, मैं अक्सा की शादी बहुत देखभाल के छानबीन करके ही करूँगी। और वजाहत वहाँ से जाने लगता है तो बीजान कहती हैं कि मैंने जो फ़ैसला किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है और मैं चाहती हूँ कि आज के बाद इस टॉपिक पर बात ना हो। तो वजाहत कहता है, जी बीजान। फिर दिखाया जाता है कि अहमद मेहरू की मदद कर रहा होता है। तो मेहरू कहती है कि तुम मेरी इतनी मदद क्यों करते हो? तो अहमद कहता है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, तुम हम सब का इतना ख्याल रखती हो, हम सब के लिए खाना बनाती हो, अगर मैंने थोड़ी सी तुम्हारी मदद कर दी तो इसमें क्या बुरा है? फिर दिखाया जाता है कि मेहरू अपनी दोस्त के साथ बैठी होती है और उससे कह रही होती है उसकी दोस्त कि तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वो डॉक्टर शादीशुदा है? तो मेहरू कहती है, मुझे बताने का वक्त ही नहीं मिला, लेकिन अब जो भी हो जाए मैं तो डॉक्टर के साथ ही रहूँगी, दूसरी शादी भी तो हो सकती है ना। तो उसकी दोस्त उसको बहुत समझाती है कि तू ये सब कुछ ठीक नहीं कर रही। तो मेहरू कहती है, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? तू मेरा हौसला बढ़ाने की बजाय तू मुझे ऐसे कह रही है? तो मेहरू कहती है, अगर हम ज़िंदगी में साथ नहीं रह सकते तो मैं मर जाऊंगी। और ये बात अहमद सुन लेता है। दूसरी तरफ अजान बैठा होता है और रिफत अजान के लिए चाय लेकर आती है। तो अजान कहता है, आप क्यों लेकर आई? मुझे पीनी होती तो मैं खुद बना लेता। तो रिफत कहती है, अब तुम्हें अपने माँ के हाथ की बनाई हुई चाय भी पसंद नहीं आएगी? तो अजान कहता है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तो उसकी माँ कहती है कि तुम मुझसे कब तक नाराज़ रहोगे? तो अजान कहता है, मैं तो नहीं नाराज़। तो उसकी माँ कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो। वो कहता है, नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। तो रिफत कहती है कि अक्सा बी जान के घर में बहुत खुश है और बी जान ने अपनी जायदाद अक्सा के नाम करने का फ़ैसला किया है, देखो ना कितना अच्छा हुआ है, अल्लाह जो भी करता है सबकी बेहतरी के लिए करता है। तो अजान कहता है, और आप उसके यहाँ से जाने पर खुश हैं? तो रिफत कहती है कि तुम अपनी माँ पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? तो अजान कहता है कि मैं सब कुछ देख रहा होता हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे सब पता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। तो उसकी माँ कहती है कि अच्छा, तुम्हारे लिए बताओ मैं आज क्या बनाऊँ? तो अजान कहता है, जो मर्ज़ी बना लें। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अक्सा बीजान के पास आती है और आकर कहती है कि ये आपने फैसला क्यों किया है, मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए हैं।
तो बी जान कहती है, मैं जानती हूँ बेटा कि तुम कभी भी किसी चीज की ख्वाहिश नहीं करती और ना ही तुम्हें इन चीजों से कोई फर्क पड़ता है, लेकिन ये दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ पर ऐसे नहीं जिया जा सकता, मेरा कोई पता नहीं मैं आज हूँ कल नहीं हूँ। तो अक्सा कहती है, आप ऐसी बातें मत करें, मैंने पहले अहमद को खो दिया, फिर अपनी माँ को, और अब आपको मैं नहीं खो सकती, मैं कभी भी आपको नहीं जाने दूंगी, आप मुझसे वादा करें आप ऐसी बातें नहीं करेंगी। तो बी जान कहती है, जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हवाले में है ना, हम पर इसका, हम लोग बेबस हैं, हम बस ये सोचो कि मैं जो कर रही हूँ वो तुम्हारे लिए बेहतर है। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ कि अहमद भाग रहा होता है झाड़ियों में से निकल के और बहुत दूर पहुंच जाता है, और वहां जाकर जब सांस निकाल रहा होता है तो मेहरू आ जाती है और कहती है कि तुम भाग रहे थे। तो अहमद एक यकदम से उसको देखकर डर जाता है और कहता है, मेहरू तुम? तो मेहरू कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तो अहमद कहता है कि तुम समझ क्यों नहीं रही हो, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मेहरू कहती है कि मैं जानती हूँ कि ये सारा फैसला करना तेरे लिए आसान नहीं है, लेकिन तू दूसरी शादी भी तो कर सकता है ना, मुझे उससे कोई एतराज नहीं है। तो आजान कहता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, तुम जानती हो कि मैं अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ, और ये लोग शादी की पहली रात ही मुझे यहाँ अगवा कर कर ले आए, मेरे साथ कितना बुरा किया है, तुम तो ये सब कुछ जानती भी नहीं हो। और इतने में ही जलाल आ जाता है और कहता है कि ये क्या बातें हो रही हैं, और डॉक्टर ये तेरा क्या हुलिया है, तेरा सांस क्यों फूला हुआ है, कहीं भागने तो नहीं लगा था? तो मेहरू कहती है, तेरा दिमाग खराब हो गया है, और उसको बातों में लगा देती है। और फिर दिखाया जाता है कि बिनिश काम वाली से लड़ रही होती है कि तुमने अगर इसी तरह से काम करना है तो किसी और घर का काम उठा लो, मेरे घर में तो ऐसा काम नहीं होगा। तो काम वाली कहती है कि बाजी मेरी नंद आई हुई है तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। पीछे से अक्सा भी आ जाती है तो बिनिश कहती है कि तुमने उसको आने क्यों दिया, तुम नहीं जानती ये लोग मेहमान बनकर आते हैं और जायदाद अपने नाम करवा लेते हैं, तुम इनकी चालाकियाँ नहीं जान सकती, तुम उसे अपने घर में रहने मत दो और जाओ और जाकर काम करो। और बिनिश भी वहाँ से जाने लगती है तो अक्सा उसे आवाज़ देती है कि भाभी आप मेरी नीयत पर शक कर रही हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि जायदाद मेरे नाम की जाए। तो बिनिश कहती है, ये अपना भोलापन ना किसी और को ही जाकर दिखाना, मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला, तुम जिस नीयत से आई थी वो नीयत में तुम पूरी उतर रही हो, कामयाब हो रही हो। तो अक्सा कहती है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं, मैं भला क्यों ऐसा चाहूँगी। तो बिनिश कहती है, तो तुम बी जान को मना भी तो कर सकती थी, चलो मान लिया कि तुम्हारा इस सब में कोई हाथ नहीं है, तो तुम बी जान को मना कर दो, बी जान तो तुम्हारी हर बात मानती हैं। तो अक्सा कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने आज तक उनकी कोई फैसला नहीं डाला। तो बिनिश कहती है, बस कर दो ये सब ड्रामेबाजियाँ, ये ड्रामेबाजियाँ तुम सिर्फ बी जान के सामने ही किया करो, मेरे सामने नहीं। फिर दिखाया जाता है कि रिफत आजान और उसका बाप डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं और खाना खा रहे होते हैं। तो रिफत कहती है कि मैं सोच रही हूँ कि आपा के घर जाना चाहिए। तो उसका शोहर कहता है, लेकिन क्यों? तो रिफत कहती है, जाहिर है अजान और तैयबा की शादी फाइनल करने के लिए। तो अजान कहता है, मैं तैयबा से शादी नहीं करूँगा। तो रिफत कहती है, जो भी हो जाए तुम्हारी शादी तो तैयबा से ही होगी। तो अजान कहता है, आप मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकती। तो रिफत कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूँ और ज़बरदस्ती मैं तुम्हारे साथ कर सकती हूँ, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, मैंने तुम्हें पैदा किया है, मेरा इतना हक तो बनता है। तो आजान कहता है कि अच्छा आप अपनी ममता का सौदा कर रही हैं, आप अपनी ममता का एहसान जता रही हैं। तो वो कहती है, तुम बेशक जो मर्जी समझ लो। और आजान वहाँ से उठ के जाने लगता है और कहता है कि जो भी हो जाए मैं तैयबा से शादी नहीं करूँगा, आप बेशक आज डेट लेने जा रही हैं, कल को बारात भी मेरे बगैर ले जाइएगा, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो रिफत उससे कहती है, तुम ये बात जान लो, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ और सिर्फ तैयबा से। और अजान वहाँ से चला जाता है। तो अजान का बाप कहता है, सो खाना तो खाने देती, तुम हमेशा की तरह इस दफ़ा भी सही नहीं कर रही। तो
तो रिफत कहती है, आप उसको समझाने के बजाय मुझे ऐसा कह रहे हैं। तो उसका शोहर कहता है, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम हमेशा से ही ऐसा करती हो। रिफत कहती है, वो एक लड़की के पीछे पागल हुआ हुआ है। तो उसका शोहर कहता है, तो तुम उसके पागलपन को समझ क्यों नहीं रही। दूसरी तरफ बीजान बैठी सोच रही होती है कि वजाहत ने उनसे क्या कहा था, और फौरन से वकील को कॉल करती हैं और कहती हैं, आपने पेपर्स क्यों नहीं बनवाए अभी तक, मैंने आपसे कहा था कि जल्दी बनवा लें। और सोच रही होती हैं कि मैं अक्सर के साथ बुरा नहीं होने दूंगी, मैं उसकी हक तलफी नहीं होने दूंगी, और अल्लाह से दुआ करती हैं कि अक्सर के लिए आसानियां पैदा कर। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जलाल शेरू की जान ले रहा होता है और शेरू मर जाता है, और ये सब कुछ एक अहमद का ख्वाब होता है, और अहमद डर कर उठ जाता है, और जलाल भी वहीं पर सोया उसे देख रहा होता है और कहता है, क्या हुआ डॉक्टर, तेरे चेहरे पे तो बच्चों वाला खौफ है। तो अहमद कहता है, जिनके साथ अल्लाह हो उनके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। तो जलाल कहता है, सो जा, वैसे मैं तुझे हमेशा के लिए सुलाने वाला हूँ। फिर दिखाया जाता है कि मैरू अहमद से कहती है, तूने मुझे जवाब नहीं दिया, तू क्या यहाँ से जाना नहीं चाहता। तो अहमद कहता है, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहता, लेकिन जो तुम कह रही हो वो नहीं हो सकता, शेरू कभी नहीं मानेगा। तो मेहरू कहती है, तुम शेरू या जलाल की फिक्र मत करो, वो सब कुछ मैं देख लूँगी, या एक और रास्ता भी है मेरे पास। अहमद कहता है, वो कौन सा। तो मेहरू कहती है, हम दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तो अहमद कहता है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, ये बात कोई सुन ले तो तुम अपने और मेरे लिए कितनी ज़्यादा मुश्किलें और बढ़ा रही हो, तुम आइंदा ऐसी बात सोचना भी मत। तो मेहरू कहती है, तू मुझे इतना कमज़ोर मत समझ, मैं सब कुछ कर लूँगी, तू इस बात की फिक्र मत कर, तू बस सोच कि तुझे क्या करना है, तुझे मैं टाइम देती हूँ, तू मुझे जवाब दे दें। दूसरी तरफ जायदाद के पेपर्स लेकर वकील आ जाता है, और बी जान अक्सर से कहती हैं कि मैं अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम कर रही हूँ, तुम इस पर साइन कर दो। तो अक्सर कहती है, बी जान मैंने आपको मना किया था कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो गाइस, आपके ख्याल में अब इस ड्रामे में आगे क्या होने वाला है, क्या अहमद मेहरू की ये शर्त मान लेगा उस जंगल से निकलने के लिए। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।